जम्मू कश्मीर में जितने भी कानून लाए जाते हैं उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी ऑफिस के बाहर आती है और ये मांग करती है इन कानूनों को जो है वापस लिया जाए या इन कानूनों को जो है दोबारा देखा जाए, क्योंकि कानून जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं है। आज मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर हूँ जहाँ पर वाइन ट्रेड एसोसिएशन के लोग जो है भाजपा ऑफिस पहुँचे और इनका ये कहना था कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी है वो एक्साइज पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके हित में नहीं है, ये बाहरी के लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। और ये भी इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है जिनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी जम्मू कश्मीर के में जो है डोमिसाइल के थ्रू ये जो है लाइसेंस मिलेगा। लेकिन वाइन ट्रेडर्स का कहना है कि जितनी भी डोमिसाइल के जो कानून यहाँ पर लाए गए जो एक्साइज पॉलिसी को जो है डोमिसाइल का मेंशन किया हुआ है, डोमिसाइल को यूज़ करके जो है बाहर के लोग ये बिडिंग में जो है हिस्सा ले सकते हैं और ये प्रॉक्सी बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज इनसे रविंद्र राणा से मीटिंग है, इन्होंने क्या बातचीत की वो इनसे जानते हैं। पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसी बनाने से पहले जो है स्टेक होल्डर्स और जनरल पब्लिक की सजेशन लेनी चाहिए ताकि आज आपको बीजेपी ऑफिस नहीं आना पड़ता और पॉलिसी रोल बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हें। देखिए बात यह है कि ये जो पॉलिसी है ये इनका कहना है कि हमने आज पहली बार पब्लिक डोमेन में डाली है। देखें ये ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है कि अगर एक आदमी सेवन इसका करता है तो वो भी ओपनली इसकी बुराई करता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है बिल्कुल डेडली अगेंस्ट है हमारे और हमारा सर्वाइवल इस पॉलिसी से नहीं है। सर एक और क्वेश्चन, जितनी भी आर्टिकल 370 के कानून लाए गए पॉलिसीज लाए गए लोग सड़कों पे आ गए, आपको लगता है इसका दोष जो है सारा आर्टिकल 370-35A के हो? नहीं, उसमें मैं तो वादे किए गए उसके बाद कि जितने भी काम होंगे वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होंगे, लेकिन जो पॉलिसीज बनती हैं वो बाहर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनती हैं। देखिए एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा आपको कि ये जो 370 या 35 ये टूटा जो, तो हमने भी बड़ी सारी खुशी उसमें शेयर की थी कि बड़े हमने भी गोल धमाके किए थे और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद हमें कोई किसी से निजात मिल रही है और मुझे ये मालूम नहीं था कि आज मेरी रोटी रोजी जा रही है। सर जो पॉलिसी बनी क्या आपको लगता है इससे जो है प्रॉक्सी एज ए यूज़ करेंगे डोमिसाइल को, क्योंकि डोमिसाइल के थ्रू जो है एक ऑक्शन होगी, आपको लगता है डोमिसाइल को भी यूज किया जा सकता है, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे जैसे कि राजस्थान में 500 करोड़ की दुकान की ऑक्शन? ऑब्वियसली ये होगा, अवश्य होगा। आप देखें कोरोना काल में हमारी दुकानें बंद रही, जम्मू का रेवेन्यू गिरा, कोरोना काल में दुकानें बंद रही, जम्मू का रेवेन्यू गिरा और बाहर पंजाब स्टेट से आके माल यहाँ पे बिकता रहा, किसी ने उसको रोका नहीं। कितना रेवेन्यू हमारा गिरा और कितने लोगों ने गलत शराब पी, आप देखें कितने लोग बाहरली स्टेटों में मर रहे हैं, हमारी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वाइन एसोसिएशन ट्रेडर्स जिन्होंने बीजेपी में आके आज जो है मांग की भाजपा सरकार से कि वो जितनी पॉलिसीज़ बन रही हैं उन्हें रोल बैक करें और या तो फिर पॉलिसी को मॉडिफाई करें, क्योंकि बता दूं मैं जो पॉलिसीज़ बनी है वो पॉलिसी ये है कि ऑक्शन जो है एक साल के ऑक्शन पे दुकान जो है उसकी टेंडरिंग होगी, उसकी बिडिंग होगी, उसके बाद जो है एक साल के लिए होगा, लेकिन एक साल का वक्त जो है वो बहुत कम है। इनका ये कहना है कि जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं उससे जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी वाइन ट्रेडर्स हैं उन्हें जो है नुकसान होने वाला है और उसके साथ साथ वो लोग भी जो इसके साथ जुड़े हुए जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनका भी जो है बहुत नुकसान होगा। ताकि ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए इस पॉलिसी को मॉडिफाई करें या फिर रोल बैक करें।